हे गाइस, फाइनली वन प्लस लॉन्च कर दे वन प्लस 85G एंड ये आपको मिलेंगे 16th of October। अगर आप एक प्राइम मेंबरशिप पे है, मतलब आपके पास अमेजन का प्राइम मेंबरशिप है, तो आपको ये फ़ोन मिलेंगे 16th of October से। एंड बताएंगे इसका प्राइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो इसका प्राइस जो निकल के आ रहा है 8GB 128GB का प्राइस है भाई, 43,000 रुपीज़। एंड जो अपर वेरियंट है 12GB + 256GB उसका प्राइस है 46,000 रुपीज़। तो प्राइस के मामले में थोड़ा बहुत कम इधर रख रहा है वन प्लस, मतलब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे वन प्लस। एंड जो नॉर्मल यूज़र है उसको ये फ़ोन मिलेंगे 17th October, क्योंकि उस दिन सेल भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अमेजन बिग मिडे जो सेल होता है वो शुरू होंगे एंड उसी दिन से ये फ़ोन आपको मिलने लगेंगे। एंड इसका कुछ हाइलाइट्स आपको बताएंगे। 6.55 इंच का एक फुल HD प्लस फुल्ड AMOLED डिस्प्ले इधर आपको मिलेंगे, 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, साथ में HDR10+ का सपोर्ट है, तो बहुत ही मक्खन का डिस्प्ले इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 865 स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन की तरफ से चिपसेट आता है वही इधर लगाया गया। एंड बात करने की इसकी कैमरा, तो 48 का मेन कैमरा, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस एंड 5 का मैक्रो, 2 का मोनो क्रोम सेंसर इधर लगाया गया। एंड बात करेंगे सेल्फी कैमरा, तो पंचुअल 16 मेगापिक्सल का एक पंचुअल सेल्फी कैमरा इधर आपको मिल जाते हैं। एंड बात करेंगे इसकी जो बैटरी है, 4500 mAh की बैटरी है, 65W का फास्ट चार्जिंग दे रखा है, तो बहुत ही जल्दी आपके बैटरी को चार्ज कर देंगे। एंड इधर आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलेंगे एंड ऑक्सीजन 11 का सपोर्ट मिलेंगे, मतलब आपको सब सारे के सारे जो एंड्रॉयड है वो लेटेस्ट है एंड ऑक्सीजन ओएस भी लेटेस्ट है एंड जितने भी सेंसर्स है सब कुछ आपको इधर मिल जाएंगे। एंड ये फ़ोन आपको 2 कलर में देखने के लिए मिलेंगे, लूनर सिल्वर एंड एक्वा मरीन, ठीक है, 2 कलर में ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और बात करेंगे भाई इस फ़ोन को आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका प्राइस ठीक ठाक रखा है इस बार वन प्लस ने, क्योंकि इधर आपको 43,000 में आपको ये फ़ोन देखने के लिए मिलेंगे, 8GB 128GB आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 मिल रहा है एंड 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेंगे, HDR10+ का सपोर्ट है एंड आपको मतलब स्टोरेज की कमी तो नहीं होने वाला, क्योंकि 128GB दे रहा है इधर आपको बेस ब्रांड में। एंड अगर आप अपर ब्रांड लेते हैं तो 3000 आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे फॉर 256GB एंड 12GB रैम के लिए, तो भाई मेरे हिसाब से ठीक ठाक डील है। अगर कोई भी डिस्काउंट आएंगे इसके रिगार्डिंग, कोई भी डिस्काउंट आते हैं तो आपको आगे ज़रूर बताएंगे। एंड आपको ये फ़ोन लेना चाहिए क्योंकि अच्छे डील्स ला रहे एंड इसके ऊपर ऑफर तो आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑफर आएंगे आपको ज़रूर से बताएंगे। एंड आपको कैसा लगा ये फ़ोन आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। एंड कोई भी सवाल या सुझाव हो, कोई भी गलत मैंने बोल दिया तो भाई सॉरी, एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। एंड वीडियो भाई इतना ही था, आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए। तो चलते भाई, मिलते हैं किसी दूसरे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।